हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जीबी सिंड्रोम है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट इज AIDP, दैट इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट ऑनसेट है। इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन होता है, जो नर्व्स हैं उनका क्या होता है, डीमाइलिनेशन मतलब माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन, सभी में मोस्ट कॉमन है ये। इट इज मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द शॉन सेल्स, जो हमारी शॉन सेल्स होती है उनके अगेंस्ट बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, तो AIDP होता है। इसमें पेशेंट को सेंसरी सिम्टम्स भी आते हैं, मोटर सिम्टम्स भी आते हैं, और नेक्स्ट लेवल पे मतलब ये प्रोग्रेस करता जाए तो क्या हो जाए, जो ANS सिम्टम है मतलब ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम वाले अगर डिसफंक्शन हो, जैसे कार्डियक अरिदमिया हमने बात की थी, यूरिनरी रिटेंशन होना, ये सब सिम्टम भी पेशेंट में आते हैं इस वाले में। दैट सेकेंड इज MFS, मिलर फिशर सिंड्रोम। इसमें भी तीन वर्ड हैं, तो इसमें याद रखना एक ट्रायड मिलता है। मिलर फिशर सिंड्रोम में एक ट्रायड मिलता है, दैट इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया, मतलब जो आई मसल्स है उनकी वीकनेस पेशेंट में मिलेगी, एटेक्सिया होता है, एंड ए रिफ्लेक्सिया, मतलब जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो डिमिनिश हो जाते हैं, बिल्कुल नील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रायड मिलता है इसमें। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली जो जीबी सिंड्रोम है वो क्या है, असेंडिंग पैरालिसिस है, मतलब असेंडिंग पॉलीन्यूरोपैथी है, सॉरी, कि पैरों से शुरू होगा देन अपवर्ड जाता है। लेकिन MFS क्या होता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। इसमें मेनली जो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होती है वो आई मसल्स की होती है। तो असेंड ये क्या है, डिसेंडिंग है। नॉर्मली जीबी सिंड्रोम असेंडिंग होता है, नीचे से ऊपर की तरफ इन्वॉल्वमेंट होता जाता है मसल्स का। देन नेक्स्ट आता है हमारा AMAN, यानी एक्यूट मोटर एक्जोनल न्यूरोपैथी। एक्यूट है, मोटर जो मसल्स हैं हमारी, मोटर सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, और एक्जोनल है न्यूरोपैथी। इसमें एक्जोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इसको हम चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। देन देयर इज, ये मोटर नाम लिखा ही है ना इसमें, तो इसमें क्या है, पेशेंट को ओनली मोटर सिम्टम्स मिलते हैं, सेंसरी सिस्टम जैसे टिंगलिंग होना या फिर पेशेंट को पेन, इस तरीके का कुछ नहीं होता। पेशेंट वर्क ही नहीं कर पाता एफिशिएंटली, उसकी मसल जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, यानी मोटर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। देन आता है हमारा AMSAN, यानी एक्यूट मोटर सेंसरी एक्जोनल न्यूरोपैथी। अब नाम से ही पता चल रहा है देर इज मोटर इन्वॉल्वमेंट एंड सेंसरी इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या होगा, अफेक्ट द सेंसरी विद सीवियर एक्जोनल डैमेज, सेंसरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। देन हमारा लास्ट आता है एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या है, सभी चीजें इन्वॉल्वमेंट हो जाती हैं, और ये रेयर है, एक्यूट पैनाटोमिक वाला रेयर होता है। इम्पेयर स्वेटिंग इम्पेयर्ड हो जाती है इसमें पेशेंट की, टीयर फॉर्मेशन नहीं हो पाता, फोटोफोबिया होता है पेशेंट को, जो ओरल या फिर नेजल म्यूकोस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ईचिंग होती है, स्किन की पीलिंग मतलब स्किन निकलने लगती है, नोजिया डिस्पेजिया होना या कॉन्स्टिपेशन, ये सब सिम्टम मिलते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये है हमारी जीबी सिंड्रोम की क्लासिफिकेशन। देन वी कम टू द डायग्नोसिस, हमें इसे डायग्नोस कैसे करना है। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री और सिम्टम, आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो कि कोई इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ प्रीवियसली, तो हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर। फिर उसके सिम्टम के बेसिस पे, जैसे वो सिम्टम लेके आएगा कि टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पैरों से शुरू हुआ फिर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस आप देखो, मतलब साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। देन आता है नर्व कंडक्शन स्टडी, हम कराते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी। अगर हम कराते हैं तो जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। CSF एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, जिसमें क्या आपको मिलेगा, जो प्रोटीन अमाउंट है CSF में वो बढ़ जाएगा, और जो WBC लेवल है या तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर वो कम हो जाता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा सकते हैं, और इन्वॉल्वमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया तो कितना इन्वॉल्व हुआ है, उसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराना, ECG करा सकते हैं व्हेन एवर देयर इज कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। तो डायग्नोसिस हम इसके बेसिस पर करेंगे, मेनली जो है वो हिस्ट्री और साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे ही होता है। देन आता है हमारा इसका ट्रीटमेंट। अब आप ट्रीटमेंट के बारे में खुद सोचिए, ऑटो इम्यून है और इसमें क्या हो रहा है, बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है अपने ही जो नर्व्स हैं उनके अगेंस्ट, तो क्या करना है, जो प्लाज्मा है जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसको एक्सचेंज कराना है, मतलब प्लाज्मा फेरेसिस इसको बोलते हैं।
यानी प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी है, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी देते हैं इसमें, और पेशेंट अगर आईसीयू में है मतलब रेस्पिरेटरी मसल भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, वो भी डैमेज हो गई हैं, तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा जाता है। पेन के लिए जो पेन किलर्स देते हैं, मतलब जो भी फिर सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और पेशेंट इसमें क्या हो जाता है, ये क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस है, फ्लैसिड रहेगा पेशेंट, पैरालाइज हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तो डीवीटी होने के चांसेस भी इसमें पेशेंट को ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चला देते हैं ऐसे पेशेंट को, अगर वो बेड रिडन है बिल्कुल। तो इसमें एक मेन चीज़ जो याद रखनी है कि पेशेंट को स्टीरॉयड नहीं देना है, ये इसमें मेन याद रखना है कि इसके ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को स्टीरॉयड नहीं दे सकते, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन को ये वर्स कर सकता है इसमें स्टीरॉयड देना, तो इसमें स्टीरॉयड नहीं देना। द मेन ट्रीटमेंट इज प्लाज्मा फोरेसिस मीन्स प्लाज्मा एक्सचेंज, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हमें उसको ट्रीट करना है। तो ये हो गया हमारा जीबी सिंड्रोम। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको मतलब पता क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके, किसने क्या डिस्कवर किया था इसको, कौन से ईयर में किया था, 1916 में किया था। देन उसको क्या सिम्टम आते हैं पेशेंट को, यानी प्रोग्रेस जैसे करता है कि अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या क्या अलग फीचर्स आएंगे, देन उसके जो भी इटियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस होती कैसे है, वो उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उसका डायग्नोसिस क्या करते हैं, और हमें ट्रीटमेंट क्या देना है, ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम जीबी सिंड्रोम की बात करें आयुर्वेदा में, तो हमारे पास अगर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आता है तो हमें क्या है, पहले उसकी क्या करनी है, परीक्षा करनी है, पहले तो उससे पूछना है, पूरा हिस्ट्री लेनी है कि ये कैसे डेवलप हुआ है पेशेंट को, क्या क्या उसके निदान है, उसके अकॉर्डिंग पे देखना है। लेकिन अगर हम बात करें ये कैसी कंडीशन है, ये दो तरीके से पेशेंट में होगा, मेनली क्या है, वातज व्याधि ही है ये, जैसे पक्षाघात है। अब हमने क्या बात की कि इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होता है पेशेंट को, चल नहीं पाएगा पेशेंट, तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो किस कंडीशन में आ सकता है वो, कि बिल्कुल चलने में प्रॉब्लम हो रही है, चल ही नहीं पाता कि, तो हम क्या मेनली डायग्नोसिस क्या करते कि पक्षाघात है पेशेंट। लेकिन हमें वो डेवलप ये करना चाहिए कि हमें पहले निदान का पता चले कि पेशेंट के निदान किस तरीके के हैं। तो दो तरीके के निदान एक पेशेंट के हो सकते हैं, एक तो क्षयज निदान हो सकते हैं, मतलब क्षय हुआ इसकी वजह से वात प्रकोप हो गया और पेशेंट को ये कंडीशन डेवलप हुई है। दूसरा क्या है, आवरण जन्य हो सकता है, ठीक है। जैसे ओरु स्तंभ में कैसे आएगा पेशेंट की, पेशेंट ऐसा बोलता है कि पैर ऐसा लगता है चल नहीं पाता है उसका पैर, मतलब खुद से वो नहीं चल पाएगा, ऐसा स्तंभित लगता है पैर, तो इस कंडीशन में भी जीबी सिंड्रोम का पेशेंट आ सकता है। तो आपको देख के कि आवरण जन्य अवस्था है या क्षयज अवस्था है, क्षयज अवस्था है तो हमें वात शामक जो भी ट्रीटमेंट है, बस्ती आदि, उनका प्रयोग करना है। आवरण जन्य तो पहले आवरण को दूर करना है, देन वात शामक ट्रीटमेंट करनी है। तो मेन ट्रीटमेंट क्या है, वात शामक ट्रीटमेंट। लेकिन वात शमन देना कब है, मतलब क्षयज निदानों की वजह से है तो ब्रहण करके वात शमन करना है, आवरण है तो पहले आवरण को दूर करना है, देन उसको वात शामक ट्रीटमेंट देना है। तो सभी कंडीशन को पेशेंट की ध्यान रख के, उसके निदान क्या थे, लक्षण क्या है, कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है, ये सब देखने के बाद ही पेशेंट को ट्रीट करना है। थैंक यू।